वाणी की एक जड़गवान चंद्रप्रभु स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की पूर्व पूज आचार्य भगवान पदम नंदी स्वामी की पूर्व पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की वह समय विश्व धर्म की वर्धमान स्वामी के शासन में हम से बरसते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष तेजना जिनेन्द्र वाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी है ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतु हो जयवंतु वीतराग श्रवण संस्कृति अरहत भट्टारक परम तीर्थंकर दिनेश्वर जिनेवर देव ने सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से विश्व के चराचर द्रव गुण पर्याय को अम्ल हस्त कबल जाना और देखा है। किस जीव ने कौन सा कर्म किया है ये प्रभु ने जाना है, उसका फल क्या भोगेगा ये भी प्रभु ने जाना है। लेकिन कर्म कैसे मिट सकता है ये भी प्रभु ने जाना है, देखा है और जगत को बताया है। लेकिन किसी के कर्म को बांधने और मेटने के लिए प्रभु यहाँ आए नहीं है। ये गंभीर विषय है। भगवान जानने वाले हैं, भगवान देखने वाले हैं, भगवान बताने वाले हैं, भगवान किसी का शुभ अशुभ करने वाले नहीं। संपूर्ण विश्व के दार्शनिकों में जैन दर्शन में यही विशेषता है, वहाँ भगवान करने के लिए खड़े हो जाते हैं या प्रभु करने खड़े नहीं होते हैं, या प्रभु मात्र दर्शक हैं, ज्ञाता है, दृष्टा है, करता नहीं। जो करता बनके आता है वो क्लेश को प्राप्त होता है, जो करता बनके आता है वो क्लेश को प्राप्त होता है, जो अकर्तत्व से युक्त होता है वो ज्ञाता दृष्टा होता है। आप सिनेमा हॉल जाते हो, आनंद क्यों आता आपको? न आप सिनेमा के करता हो पिक्चर के, न आप उस हाल के करता हो, न आप हाल के रक्षक हो, न नाशक हो, मात्र आप देखने और जानने जाते, इसलिए तुमको आनंद आता है। दर्शक हो,
दर्शक आनंद ही लेता है। दर्शक आनंद ही लेता है, कर्ता को, हर्ता को, रक्षक को रोना ही पड़ता है। कर्ता अहम में डूबता है, रक्षक गेट पर खड़ा होता है और नाशक कुड़ाली हथौड़ा लेके आता है। तीनों कष्ट में है। पुरबाल जी, आपने देखा होगा किसी धनपति के घर के द्वार पर, गेट पर बंदूकधारी खड़े होते हैं। उनको दिन रात वहीं खड़ा होना पड़ता है क्योंकि रक्षक है। और जो सोमी है वो डरता रहता है क्योंकि करता है। रक्षक क्यों खड़ा किया? कर्ता ने अपनी रक्षा के लिए। जो संहारक होता है वो 24 घंटे सोचता है, रक्षक हटे मैं नाश करूं, रक्षक हटे मैं नाश करूं। इसलिए कर्ता दुखी, हर्ता दुखी, रक्षक दुखी, आनंद लेता है ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा, जैसे सिनेमा हॉल में जाकर के आप दर्शक बन के और दर्शक दीर्घा में बैठ करके आनंद लूट के आते हो, अब समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको। उज्जवल पाटनी जी, हे मित्र, दर्शक दीर्घा में बैठ करके जैसे आनंद लूटता है जीव, चाहे नाट्यशाला में जाए, चाहे किसी सिनेमा हॉल में जाए, धार्मिक स्थान पर जाए, पंचवर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहे हो, कोई वेदी प्रतिष्ठा चल रही हो, दर्शक बन के आते हैं उनसे मिलना, जो कार्यकर्ता उनसे मिलना। कार्यकर्ता घूमते ही रहते हैं, काम ही करते रहते हैं, लेकिन दर्शक आनंद लेता है, दर्शक आनंद लेता है। हे मित्र, यदि आप चाहो आपके पास 24 घंटे आनंद है, क्या नाट्य में, क्या नाट्य में सुख के पात्र नहीं आते? क्या नात्र में दुख के पात्र नहीं आते? नाटक में सुख भोगता ऐसे पात्र भी दिखाए जाते हैं, बहुत दुखी है ऐसे पात्र भी दिखाए जाते हैं। आप दोनों को देखते रहते हो, मात्र मात्र देखते रहते हो, मात्र देखते रहते हो, मात्र देखते रहते हो। शुम के जीवन को नाट्यशाला बनाइए, स्वयं ही पात्र बन के निहारिए और स्वयं ही दर्शक बन जाइए। जो टिकट लगा करके तुम देखने जाते हो वहां क्या है? आपके दुख के दिन ही दुख का पात्र है, आपके सुख के दिन ही सुख का पात्र है। और दर्शक दीर्घा में बैठ के देखो, जितने योगेश्वर हैं, जितने सच्चे मुनिराज हैं, साधु संत महात्मा हैं, जितने श्रेष्ठ साधु हैं, या श्रेष्ठ शब्द जोड़ना ही पड़ेगा। उस श्रेष्ठ शब्द क्यों जोड़ा हमने राजेश? हमें कर्ता को, हर्ता को, रक्षक को महत्व नहीं दे रहा हूं। सीधा कर्ता को, हर्ता को, रक्षक को मैं महत्व नहीं दे रहा हूं। जो श्रेष्ठ साधक होगा वो व्यापार बुद्धि का त्यागी होगा। पहला, व्यापार बुद्धि वाला विशुद्धि को हासिल नहीं कर सकता। अपनी डायरी पर नोट कर लेना, जिसकी बुद्धि व्यापारिक होगी वो विशुद्धि नहीं पाएगा, वो व्यापार की वृद्धि देखेगा। वो व्यापार की वृद्धि में विशुद्धि में महान अंतर है। विशुद्धि में अकर्तृत्व भाव होता है और व्यापार में कर्तृत्व भाव होता है। सभी आप ग्रस्त हो, ज्ञानी लोग हो, अनुभव करके देखो, कोई भी व्यापार करने जाओगे हानि वृद्धि पर लक्ष्य होगा कि नहीं होगा? और उज्जवल पाटनी जी, आप ध्यान रखना मित्र, ध्यान रखना मित्र, अपने व्यापार का आनंद तब तक नहीं आ सकता व्यक्ति को
अपने व्यापार का आनंद तब तक नहीं आ सकता व्यक्ति को, अपने व्यापार का आनंद तब तक नहीं आ सकता व्यक्ति को जब तक दूसरे की हानि के शब्द सुनाई ना पड़े। किसी भी क्षेत्र में आदमी होगा, आप छोड़िए घर गृहस्थी का व्यापार, मैं साधु संतों की बात कर सकता हूं, अपनी यश का आनंद तब तक नहीं आता, तब तक नहीं आता जब तक दूसरे का अपयश सुनाई ना पड़े उन्हें। राजेश खोज के आना, बड़ी श्रोत धुरंधर ज्ञानी जीव, तत्वज्ञानी जीव भी सुनना चाहता है मेरा यश कितना है, दूसरे का डाउन हो रहा कि नहीं हो रहा है। यदि ऐसा चिंतन कर रहा है, एक नेता अपना प्रचार करे दूसरी पार्टी का विरोध ना करके, तो नेता का नेतागिरी सच्ची है। जितना अपने विकास के लिए, उत्थान के लिए प्रचारक तुम बना के रखे हो, किसी ग्रानी की व्यवस्था की भी रखे हो, अच्छा दूसरे की आलोचना की आवश्यकता क्या है? प्रश्न है, दूसरे की आलोचना की आवश्यकता क्या है? दूसरे की आलोचना की आवश्यकता क्या है? मेरी तरफ देखो, आज से नहीं हजारों वर्ष आगे ले जाता हूं मैं, आप पीछे जाओ, आगे भी जाओ, निहारो, इधर देखो, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र में क्या लिखा है? अपने पक्ष की बात, तो पूरा पुरुषार्थ उसी में जाना चाहिए था ना, दर्शन शास्त्र ही नहीं लिखा जा सकता। जब तक कोई बौद्ध जैन दर्शन के सियालवाद का खंडन नहीं करेगा, तब तक उनको शून्यवाद की पुष्टि का आनंद नहीं आएगा। जब तक कोई नित्यवादी जैनत्व के अनेकांत का खंडन नहीं करेगा, तब तक उसको नित्यत्व का आनंद नहीं आएगा। जब तक अनित्यवादी अनेकांतवाद का खंडन नहीं करेगा, तब तक उसको अपने अनित्यत्व का आनंद नहीं आएगा। अभाववादी जब तक अनेकांत का खंडन नहीं करेगा, उसको अभाव का आनंद नहीं आएगा। भाववादी जब तक अनेकांत का खंडन नहीं करेगा, तब तो आनंद नहीं आएगा। इन्हीं के मध्य में भाववादी मिल जाएंगे, अभाववादी मिल जाएंगे, नित्यवादी मिल जाएंगे, अनित्यवादी मिल जाएंगे, हर प्रकार के व्यक्ति आपको मिलेंगे, मित्र ऐसे लोग मिलेंगे जो शब्द को ही ब्रह्म मानते मात्र, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मात्र 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 बाह्य द्रव्य को ही सर्वस्व मानते हैं, आत्मा नाम की वस्तु को स्वीकार ही नहीं कर पाते। ये सारे के सारे लोग तभी आनंदित होते हैं जब तक दूसरे को नीचे नहीं देख लेते। आप चार भाई हो, सूक्ष्म तत्व में जाइए, ऊपर से भैया कह देने वाले लोग मुझे बहुत मिलते हैं, ये मेरा भाई है, पर्चा दे देंगे, लेकिन आप घर में कैसे रहते हो उसको बताइए। ये मेरा भाई है कहने वाले मिल जाएंगे, भाई के बेटे के साथ आपके स्वयं के बेटे के साथ भेद आता कि नहीं? भाई की संपत्ति के प्रति और अपनी निजी संपत्ति प्रति भाव बदलता कि नहीं? कैसे स्वीकार करूं, अभी तुम दर्शक हो, कैसे स्वीकार करूं दर्शक को? विशुद्ध सागर के मेरे संघ के साधु है, उनके संघ के साधु है, अभी तुम दर्शक नहीं हो। ये अमुक पंथ की, अमुक पंथ के, अभी तो जहां से मैं बोल रहा हूं वहां पहुंचने के लिए बहुत ताकत चाहिए। उस दर्शक शब्द को, दर्शक शब्द को जहां आपने साम्य भाव में रखा, फिर जिन बातों को आप सब जानते हो उन्हें ना सुनो तो ज्यादा अच्छा है, ऊंची बातें सुनो। तो दृष्टा शब्द है,
ये सामान्य वाच्यार्थ नहीं है। जो दृष्टा शब्द है वो सामान्य वाच्यार्थ नहीं है, दृष्टा शब्द गंभीर वाच्यार्थ है। और ये मुझे भी बोध है, पापड़ी वाल जी को बोध है, तो पोटवाल जी को बोध है कि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं महावीर पाठनी जो समझ में नहीं आते हैं, सुनने में आते हैं। ऐसे बहुत विषय होते हैं जो समझ में भी आते हैं, सुनने में भी आते हैं, पर बोलने में नहीं आते। हमारी सभा में ऐसे सहस्रों लोग रहते हैं जिन्हें समझ में आता है, समझ में आता है, लेकिन बोलते नहीं आता। भले बोलते नहीं आता हो, समझ में भी आ रहा है, गूंगा व्यक्ति मिठाई खाए, दुग्ध पान करे, संपूर्ण प्रकार भोजन करे, उसका स्वाद नहीं बता सकता है। क्या वह भोजन, क्या वो दुग्ध उसके शरीर को पुष्ट नहीं करेगा? वो डॉक्टर जिनेंद्र थे क्या गए? डॉक्टर साहब, एक गूंगा आदमी है, जन्म से गूंगा है, उस आदमी को क्या भोजन पानी सुंदर से सुंदर खिलाया जाए तो वो उसके शरीर में काम करेगा कि नहीं करेगा, सप्त धातु रूप बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि हमारा मूक श्रावक भी, मूक साधु भी जो सुन रहा है उसको समझ रहा है लेकिन बोल नहीं पाता ज्यों को त्यों, तब भी जैसे मूक आदमी को खिलाया गया भोजन उसको सप्त धातु परिणत होता है, ऐसे श्रद्धा से सुना गया तत्व का उपदेश कर्म निर्जा का कारण बनता है, आनंद देता है, आनंद देता है। दृष्टा शब्द गंभीर है, बहिर साधना चर्या है, बहिर साधना चर्या है, उपासना क्रिया है, मित्र काम में आएगा। बहिर साधना चर्या है, उपासना क्रिया है, अंतरंग साधना आत्मध्यान है। बहिर साधना चर्या है, चर्या एक सी हो सकती है, ये महत्वपूर्ण है संप्रदाय के लिए, ये महत्वपूर्ण है परंपरा के लिए, महत्वपूर्ण है संस्कृति के लिए, लेकिन नहीं महत्वपूर्ण स्वभाव की अनुभूति के लिए। चर्या राजेश एक सी, आप सुबह उठते हो, श्री जी का अभिषेक करते हो, महावीर पाटनी उठते हैं, श्री जी का अभिषेक करते हैं, तो कैलाश बाकल वाले उठते हैं, प्रभु का अभिषेक करते हैं, गंग वाले उठते हैं, प्रभु का अभिषेक करते हैं, आप सबकी बिल्कुल ऐसे कलश पकड़ना सब एक से पकड़े हैं, ऐसे हाथ करने ऐसे सब किए हैं, ये चर्या है तुम्हारी एक सी है, इनके भीतर परिणामों की दशा क्या है? जो अलग अलग हो रही है यही महत्वपूर्ण है, इन्हें एक कीजिए। भाव दशा जब तक एक नहीं कर पाएंगे ना, मोक्ष मार्ग कहता है मित्र, अनुवृत्ति कण गुरु स्थान में जाए बिना आप सिद्ध भगवान बन नहीं सकते। वो अनुवृत्ति कण गुण स्थान में जो जीव पहुंच जाता है उसको भिन्न समयवर्ती अभिन्न समयवर्ती परिणामों को सदृश करना पड़ेगा, तब कहीं निर्वाण श्री का प्राप्त कर पाएगा। इसलिए मैं जिस साधना की ओर जा रहा हूं, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, हमने आराध्य सागर से बोला मित्र, वो शब्द बहुत सुनने लायक है और बार बार कहने लायक है, सुबह भी हमने उज्जवल पाटनी से कहा था। पोलवाल जी एक शब्द पर ध्यान देना, यदि
महावीर पाटनी के सामने वो भैया आके बैठ गया। अब इनके मन में भाव आ रहा है, ये मेरे सामने क्यों आया, मेरे सामने क्यों आया, मैं कोशिश करता हूं इस व्यक्ति को हटाऊंगा। अब कोशिश कर रहे हटाऊंगा, अब प्रश्न करो इनके चित्त से, जिन विषयों पर निर्गंत मार्ग टिका हुआ है, जिन विषयों पर जैन दर्शन का प्रचार होना चाहिए है, उन विषयों पर तुम शून्य हो, जिसके बल पर तीर्थंकरों ने तीर्थंकर विषयों की व्याख्या होना चाहिए, और मुझे विश्वास है आज मैं इस पारसनाथ जिना देश में फैलेगी बात। जो तुम साधना कर रहे हो पीछे एक बैनर लगा ना, ये सूचना के लिए लगा है, कलशारोहण का बैनर लगा ना पीछे, ये सूचना के लिए लगा है। तो हमने यहां का बैनर दूसरे मंदिर में भी देखा, वहां पर भी लगा था, वो सूचना के लिए था, न कि अनुभूति। जो पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे, किसके लिए लगाए डॉक्टर जी आपने, सूचना लिए, कार्यक्रम की सूचना है। क्या वेदन है, क्या वेदन है उनमें बैनरों में, वेदन नहीं है, सूचना है। वेदन तो वो करेगा जो यहां विधान में कलशारोहण करेगा, वो वेदन करेगा, ये सूचना। ये जितने प्रकार के भेष धारण किए जा रहे हैं ये सूचना के लिए है। वो भैया पीले धोती दुपट्टा पहने बैठा है, सूचना है ये कि ये पुजारी है, पूजा करने के लिए आया। पंडित जी पगड़ी लगाए हैं, ये सूचना है कि विद्वान है, सूचना है विद्वान है। डॉक्टर के गले में आला पड़ा रहता है, ये सूचना है ये डॉक्टर है। उसके बोर्ड पर समझ गए ना, ये सूचना है न कि वो डॉक्टर है। विद्यार्थी मोक्ष अपने स्कूल के ड्रेस पहन के घूम रहा है, ये सूचना है न कि ये ज्ञान है। पिच्ची कमंडलू दिगंबर भेष, ये सूचना है जैन मुनि है न कि जैन साधना है, ये सूचना है मुद्रा है मित्र, सूचना है मंदिर, ये सूचना स्थान है न कि उपासना, उपासकों के आने का स्थान है, यहां उपासना की जाती है उस बात की सूचना घंटा लगा हुआ है। सूचना है, उपासना क्या है, साधना क्या है, सूचना नहीं है साधना, साधना में नहीं होती सूचना, सूचना नहीं है साधना, उस साधना में नहीं होती सूचना, होटलों पर लिखा रहता है भोजनालय, तो भोजनालय नहीं है भोजन, वो भोजन में नहीं लिखा होता भोजनालय। बोलिए बोलिए कुछ, भोजनालय नहीं है भोजन, और भोजन में नहीं होता भोजनालय, भोजन भोजन है, भोजनालय भोजनालय है, ऐसे मित्र जिनालय जिनालय है, जिन जिन है, साधु साधु है, भेष भेष है, सूचना धर्म नहीं है, धर्म के लिए सूचना है। सोचना पड़ेगा लोगों को, जो रट्टम रट्टा पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं उन्हें भी सूचना बाहक है, जो रट्टम रट्टा करके बोल के चले जाते हैं ये सूचना बाहक है, जो अनुभूति करके डूब डूब के बात अपनी रख रहा है वो मेरे मित्र वक्ता है।
अब आप सब मेरे हो चुके हो, अब सुनिए, अभी सब मेरे हो गए, अब सुनोगे आप ध्यान से। हे मित्र, हमने आराध्य सिंधु से कहा कि महावीर पाटनी बगल में बैठे राजेश के बारे में सोच रही, यहां से चला जाए चला जाए चला जाए, जब तक नहीं जाएगा इस जीव को शांति नहीं मिलेगी। सत्य भैया, शांति नहीं मिल सकती। विश्व के 99% लोग दूसरे के भगाने में अपनी शक्ति का नाश कर रहे हैं। 99% लोग दूसरे को भगाने में अपने शक्ति का व्यय कर रहे हैं। मेरा जब मोक्ष होगा ना, मैं कर्मों को नहीं भगाऊंगा, विश्वास को। मैं रुका हूं जान के, तुमको सोचने के लिए समय दिया है। जब भी मेरा मोक्ष होगा, मैं कर्मों को नहीं भगाऊंगा, विश्वास को। कर्म भाग जाए उसका मुझे टेंशन नहीं है। भगाने में पाप पड़ेगा, भगाने में क्लेश होगा। मित्र, एक जंगल में मेरा विश्राम हुआ, बियावान जंगल, मात जंगली जंगल, सूखा, निवाड़ की तेज गर्मी, 52 गजा, निवाड़ की तेज गर्मी। एक बालक एक गांव में मैं रुका कुछ दिन, तो वहां के लोग प्रभावित हुए। एक बालक कहता है, महाराज जी मुझे तो दीक्षा लेना है। मैंने उस बालक को समझाया, बेटा तुम छोटे हो अभी नहीं। वो माना नहीं और चल के संघ में आ गया। बिहार करते जहां मुकाम था वहां तक आ गया। भीषण गर्मी, घर में कक्ष के अंदर ठंडे कूलर की हवा ले रहा था। उसने चेहरा देखा विशुद्ध सागर का, भीड़ देखी तो चलने प्रारंभ कर दिया। चेहरा देख के भीड़ देख के चलना शुरू कर देते हैं उन्हें गिरना। बहनों आप ध्यान दो, चेहरा देख के, भीड़ देख के, भावुकता देख करके, लोभ देख करके, जो बिटियां चल देती हैं दूसरों के चेहरे देख करके, उनके टुकड़े कर करके फेंका जाता है। यदि आपको अपना जीवन जीना है तो चेहरे देख के निर्णय मत करो, मोबाइल व्हाट्सएप देख करके निर्णय मत करो, धर्म धर्मात्मा देख के शादी करो, चेहरे देख के शादी मत करो। कितनी कन्याओं के टुकड़े हो रहे हैं। जिस घर में पानी छान के पिया जाता हो, जिस घर में अवाच्य का त्याग होता हो, जिस घर में गुरुओं को आहार होते हो, उस घर की बेटी मांस के टुकड़ों के घर में चली जाए। माता पिता को धिक्कार हो जिन्होंने मोबाइल की डिबिया पकड़ दिए, संस्कार नहीं पकड़ा पाए। समाज से मेरा कहना है, संपूर्ण समाजों से, मित्र जितना तुमको बेटों को देख करके हर्ष होता है, उतना बेटियों को देख के हर्ष होना चाहिए। बेटे के सामने बिटिया नहीं होगी ना, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और जितने गहरे संस्कार मैंने जहां तक अनुभव किया है, बहुत सारे लड़के भी बिजाती शादी करना चाहते, उन्हें समझाओ लड़के मान लेते, लेकिन बिटिया नहीं मानती। ये जिद्द नहीं है, बुद्धि विहीनता है। जिसके टुकड़े हुए हैं और सूटकेस में दबा के फेंक दिया गया है, उसने स्वयं बोला, उसके माता पिता ने समझाया, बेटा ऐसा मत करो। कहती मैं बड़ी हो चुकी, मैं अपने हिसाब से दिमाग, अपने दिमाग से काम करूंगी। हो गया बेटा, हो गया दिमाग से काम। माता
सुन के बाहर निकाल रहे कि घर में लेके जाओगे? यदि घर में लेके जाओगे तो अपनी संतान को समझा देना कि बेटा ब्राह्मी सुंदरी, चंदन बाला और मनोवती मनोरमा, द्रौपदी सीता, इन सतियों में अपना नाम लिखाओ, सुपरखा में अपना नाम मत लिखाओ। मंत्र में नाम मत लिखाइए तो होलिका में नाम मत लिखाइए, नाम लिखाना चाहते हो तो ब्राह्मी सुंदरी में नाम लिखाइए। मत लिखाओ उन नारियों में नाम जिन्होंने लोगों खड़े होकर के गोली मारी, 25-25 लोग एक साथ मार दिए, उन डकैत नारियों में नाम मत लिखाओ। नाम लिखा सकते तो वर्तमान में ज्ञानमती विशुद्धमती जैसी आर्काओं में नाम लिखाओ, विजयमती। बाल को समझ रहे हैं ना बेटा, तुम्हारी तो लाइन लंबी है, ऋषभ देव से महावीर पर्यंत ऐसे लालों में अपने नाम लिखाओ। कंस कमठ दुर्योधन दुशासन में अपने नाम मत लिखाना। कुछ गूढ़ विषय है जिन्हें कहा नहीं जा सकता, आपको समझना चाहिए। प्रदीप मित्र पेपर मोबाइल कोई काम में नहीं आएंगे। जब तुम किसी पेपर में अपने गुरुओं की प्रभावना लिख के भेजते तुमको आनंद आता है, और किसी पेपर में लिखा मिल जाए कि अमुक की बिटिया भग गई, तब तुमको सिर नीचा करना पड़ता है। इसलिए ठीक मैं समझाता हूँ, बैठो आप। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि माता पिता सच्चे बच्चे नहीं बन पाए। प्रदीप का बहुत सुंदर प्रश्न है, उत्तर सुनिए। प्रदीप का कहना है कि समझाने की कोशिश तो करते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। है मित्र, मेरे सामने एक वृक्ष लगा हुआ है, भवन के सामने पलाश का वृक्ष है, देखो सुंदर, बादाम का वृक्ष। इस वृक्ष के जब पौधा हुआ था तो संस्था के जो स्वामी है दृष्टि भी जिस ओर मोड़ना चाहते मुड़ सकता था। अब वृक्ष बहुत बड़ा हो चुका है, अभी मोड़ने की कोशिश ना करें टूट जाएगा। जब पौधा था तभी मोड़ देना चाहिए था, मोड़ने का समय था तब तुमने मोबाइल दे दिया था, मोड़ने का समय था तब तुमने बच्चों को मोबाइल दे दिया था। अब बड़ा होकर मोड़ना चाहे तो टूटेगा, मोड़ेगा नहीं। तुमने सुरक्षा के नाम से बिटिया बिटियों को मोबाइल दिया था, पर उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, और कीमती कीमती दिए, कीमती कीमती जिसमें सातों विष्णु भरे हो। सूचनी देना थी मात इतना दे देते कि बेटा तुम अपनी खबर दे देना, हमारी ले लेना, बस उसमें कोई चित्र नहीं आना चाहिए था। दिया किसने? यदि यदि महावीर पाटनी कहे कि महाराज जी बिगड़ गए तो मैं इनसे कहूंगा कि मित्र विश्वास रखिए, आप लोभी लोग हो, तंत्र मंत्र के लोभ में आकर के। साधु तो खरीदने नहीं जाता होगा मोबाइल लैपटॉप, कुछ भी खरीदने नहीं जाता होगा। तुम लोभी श्रावकों ने ही, कोई भक्त के लोभी, कोई उनके शरीर के लोभी, राग के लोभी, धन के लोभी, इन लोभी श्रावकों ने तंत्र मंत्र के लोभ में आकर के, जादू टोने के लोभ में आकर के उनको तुमने सब सामग्री सुलभ कराई है। और जब वे अशुभ में डूबेंगे फिर पूरी समाज धर्म का जब नीची नाक होती है तब तुमको लगता कि हाय क्या हो गया। इसलिए मेरा कहना है आपको आगम का अभ्यास करना चाहिए। आज एक परंपरा प्रारंभ होगी, लोग स्वाध्याय की मना करने लगे मंचों से,
कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन मित्र यदि ये श्रामक स्वाध्याय कर लेंगे तो तुम्हारा सत्राचार समझ जाएंगे। मेरे मित्र, आपको संपूर्ण समाज को स्वाध्याय करना चाहिए, क्या देने योग्य क्या नहीं देने योग्य है। संतों को और सपूतों को संभालो, संतों को सपूतों को संभालो। सपूत समझ जाएंगे तो कुल तुम्हारा निष्कलंक होगा, और संत समझ जाएंगे तो जिन शासन निष्कलंक रहेगा। संभालना पड़ेगा, उस साधुओं को सपूतों को संभल के रहना चाहिए। कुल के अनुकूल इच्छा करो, महात्मा सारस्वत जी साधना के अनुकूल इच्छा करो। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो उड़ना चाहते हवा में वे गिरेंगे, जो उड़ना चाहते हवा में वे गिरेंगे, जो जमीन से अंकुरित होकर उठता है वो सदियों तक चलता है, उसका नाम वटवृक्ष होता है। उड़ने वाले गिरते हैं, उगने वाले ऊपर उठते हैं। उड़ने वाले गिरते हैं, काशीलाल भाई समझ, ये आपने उड़ा के जो उड़ रहा था वो 100-200 की जान लेके चला गया। नहीं समझ में आया क्या? प्लेन नहीं, वो प्लेन तो ले गया, जो गुजरात में एक पुल बना था ना उड़ने वाला, हवाई पुल, झूला पुल, जान लेके गया कि नहीं गया? उड़ने वाले उड़ा ले जाते हैं, उड़ने वाले उड़ा ले जाते हैं, जीवन उड़ा ले जाते हैं। जो जमीन से उठता है वो स्थायी रहता है, इसलिए हवा वालों में मत घूमो, जमीन पर चलो। यानी जमीन पर चलो, आपने भवन जमीन से नीम भर के खड़ा करा है कि हवा में खड़ा किया है? जमीन से खड़ा किया है ना। जो अंकुरित होता है जमीन में वो वृक्ष वटवृक्ष बन के लहराता है। ऐसे जो साधना में वैराग्य के अंकुर से साधना में उतरता है उसका चारित्र लहराता है। जो साधु हवा में उड़ते हैं वे उड़ के गिर जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी हवा में उड़ना चाहते हैं, और देखना जितने उड़ रहे हैं कुछ दिन बाद तुम देखना गिरे मिलेंगे। भविष्यवाणी में कर रहा हूं, जितने जल्दी उड़ रहे हैं वे सब नीचे गिरते मिलेंगे। क्यों? जड़ नहीं है। कहूं कहूं राजेश, एक बछड़े ने जन्म लिया, वो बछड़ा उड़ के उड़ने लगा, दौड़ने लगा। उसे पता नहीं था मैं किसान के हाथ में नहीं आया, माँ ने जैसे चाट के खड़ा किया, तुम दौड़ने लगे बेटा, अब जीवन तुम थोड़े बड़े हो जाओ तुम रोड पे गिरोगे, तुम बड़े हो जाओ तुम रोड पे गिरोगे। रहस्य बोलिए क्या है, मैं बताता हूँ। नहीं फिर किसान के हाथ में नहीं आया, ग्वाले के हाथ में नहीं आया बछड़ा, माँ ने चाट के, गाय ने चाट के खड़ा कर लिया, वो दौड़ने लग गया। हे मित्र, उसके पैर के नीचे जो इस सिंगाड़े जैसा कवच रहता है वो किसान जैसे बच्चा जन्म लेता है उसे तोड़ के फेंक देता है। वो जैसे ही निकालता तो पैर खुरदुरे हो जाते हैं, तो वो गिरता नहीं है। वो मालूम वो निकले वो बहुत चिकने होते हैं, अब वो कठोर हो गए, अब बेटा दौड़ोगे तुम रोड पर गिर पड़ोगे। ऐसे जो शिष्य गुरु के पास आकर के वो खुदरा नहीं हो पाया और दौड़ने लग गए बेटे चिकने चिकने, पे गिरेंगे मार्ग से, गिरेंगे 100% गिरेंगे। बुद्धि से जीने वाले गिरते हैं, शास्त्रों के पढ़ने वाले गिरते हैं, विवेक से जीने वाले उड़ते नहीं हैं, उठते हैं। उठना सीखो, उड़ना मत सीखो। क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? है? सत्यार्थ बोध हो रहा है, सत्यार्थ बोध हो जाएगा तो वस्तु का वस्तु तो समझ में आ जाएगा। सुनो, सत्यार्थ बोध हो जाएगा तो इन ज्ञानियों को वस्तु के वस्तु का बोध हो जाएगा। ओह,
मुझे कर्म नष्ट नहीं करना। कर्मनिष्ठ नहीं करना, नाश तो करना क्यों? तो जंगल में एक बैल घूम रहा था सरोवर के किनारे, जवान जंगल में। मालूम उसी जगह वो बच्चा आया, गुरुजी दीक्षा लेना है। मैंने कहा बेटा रुको, वो नहीं माना, मोक्ष चल दिया मेरे साथ। जब तक कंठ में पानी था, पेट में पानी था, तब तक बालक चलता रहा। शाम होते होते निमाड़ की लपटें, रात्रि के 12 बजे तक तूफान, ऐसे झुलासा रही थी। बालक शाम के 6 बजे कहता है प्यास लगी। हम सभी बैठ के प्रतिक्रमण कर रहे मुस्कुरा के। बच्चा कहता प्यास लगी गुरुजी। उसके माता पिता साथ में थे, उन्होंने पानी पिला दिया, उसको सहन नहीं हो रहा था। अंत में कहता मम्मी घर चलो। मैंने कहा बेटे चेहरा दिख के मत आना, भीड़ दिख के मत आना, भीतर की सहन शक्ति और विश्वों से वृक्ति देख के आओगे तो दृष्टा बन के जियोगे, नहीं तो महलों में घूमोगे। जो महलों को छोड़ के नहीं आ पाए, महलों से निकल आए पर महलों से नहीं छूट पाए, वे गिर जाएंगे, 100% गिरेंगे, नियम से गिरेंगे। गिरेंगे, पतित होंगे। दूसरे से समझौते वही करते हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाते। कुछ सुना सोनू? दूसरे से समझौते वही करते हैं जो स्वयं को संभाल नहीं पाते। जो स्वयं को संभाल लेते हैं वे किसी के साथ समझौता करके नहीं रहते हैं, स्वयं में रहते हैं। बालक घर चला गया, उसके बाद पुनः कभी नहीं आया। बहुत दिन बाद जब 18-19 साल का हो गया तब एक बार आया। मैंने पहचान लिया, मेरे मित्र वही हो? बोले हाँ गुरु जी। अब क्या विचार है? कुछ नहीं हो सकता स्वामी, देख लिया मार्ग कठिन है, आइए प्रमोक्ष मार्ग में कैसे चलेंगे आप? आशीष कमी बाहर की नहीं होती, कमी भीतर की होती है। गन्ने का पौड़ा भी सड़ता है, बाहर से नहीं सड़ता, भीतर से सड़ता है तब बाहर आता है। भीतर सड़ा ना हो तो बाहर सड़ा ना आ नहीं सकते। मोक्ष जाना है तो लक्ष्य को निहारिए। क्या जब जंगल में एक बैल प्यासा घूम रहा था, उसने राजेश देखा कि ये सरोवर है, पानी होगा वहां। वो दौड़ के आया, दौड़ के जब तालाब के पास में आते ना गाय बैल भैंस सांड पे, वहां से दौड़ते एकदम जल्दी पानी पी लूं। वो बेचारा दौड़ता है और दौड़ते ही अंदर पूरे तालाब में घूम के आया, पानी की एक बूंद नहीं थी क्योंकि तालाब सूख चुका था। वो दौड़ रहा था बैल बेचारा, जैसा का वैसा ही वापिस। तालाब सूख गया, बैल लौट गया। क्या हुआ? तालाब सूख गया, बैल लौट गया, तालाब सूख गया, बैल लौट गया। समझ में क्या बोल रहा हूं? समझ नहीं रहे आप लोग? तालाब सूख गया तो बैल लौट गया, राग सूख जाएगा, कर्म लौट जाएंगे, मुझे कर्म भगाना ही नहीं। तुम राग का सरोवर भरे हुए हो, उसमें तो मालूम बैल क्या, सुअर भी आएंगे, सुअर क्या, भैंसे भी लोरेंगे, बंदर भी आएंगे, मछलियां भी होंगी,
ओ मित्र, पानी होगा तो सब आएंगे ही आएंगे, राग होगा तो कर्म आएंगे ही आएंगे, और राग हटाओ कष्ट मिटाओ। समझ में आ गया? राग होगा तो सब आएंगे, 25 कसाएं आएंगे तो राग से आएंगे, ज्ञानी द्वेष भी आएगा तो राग से ही आएगा। मित्र, यदि राग का पानी समाप्त हो जाए तो एक भी न जंगली जीव आएंगे न जलचर आएंगे, न जंगली आएंगे न जलचर आएंगे, न बंदर आएंगे न भालू आएंगे। पंडित सूर्य विमल कुमार सूर्य पुत्र वर्धमान सूर्य जी, मित्र, न बंदर आएंगे न भालू आएंगे, राग होगा तो सब आएंगे। एक जगह में पुणे निमाड़ में अपना सिद्धवर कूट है ना, वहाँ के जंगल में अचानक रात्रि हो गई, मैं जंगल में ही ठहर गया। वो अरहंत पाटनी, वो सम्यक पाटनी दुर्ग वाला, वो मेरे साथ था उस दिन, वो मेरे साथ था सम्यक पाटनी कैलाश भैया बाकलीवाल जी। एक दिन पहले वो हमसे कह रहा था, गुरुजी जंगलों में रहना चाहिए, कहाँ गांव गांव में, नगर में रहता। ठीक बेटा, समझ आएगा, चलते चल। वो सम्यक पाटनी जंगल में अचानक रात्रि को हम लोग वहीं रुक गए, एक पुलिया थी उस पर बैठ गए सामायिक करने के। ओ सिद्धवर कूट के ट्रस्टियों ने रात्रि के 10 बजे तक पाटे भी भेज दिए, तो साधु तो पाठों पे आ गए, और सम्यक के लिए कुछ नहीं था, कीड़े मकूड़े जीव जीव बेचारा, मैं देखता रहा, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, वहाँ से भागे वहाँ बैठे, रात्रि भर उसकी ऐसी निकल गई। सुबह आ गया, बोले महाराज बहुत कठिन मार्ग, मैं सोचता था जंगलों में रहना चाहिए, मुझे समझ में आ गया ना, अनुभूति से जो ज्ञान होता है वो सत्य होता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, रात्रि में एक व्यक्ति आया, वो आपस में बात, भैया यहाँ संभल के सोना। बोले यहाँ पास में ये नदी है जंगल में अंदर, वहां शेर पानी पीने आता है। अब जैसे ही कहा कि सम्यक ने सुन लिया, बोले शेर पानी पीने आता है। अब बेचारा कहीं भी कोई आवाज सुनाई पड़े ना, बस यही सोचा, बोले शेर पानी पीने आया, शेर पानी पीने आया। ओ मित्र, जिस व्यक्ति को राग का पानी भरा होगा वो मेरे मित्र साधना में जी नहीं सकता। मोक्ष मार्ग में जीना है तो पहले राग हटाना पड़ेगा। बिराजो तुम्हें राजेश को समझा रहा हूं कि राजेश भैया, जिस दृष्टा की व्याख्या सुन रहे हो, यानी पंडित जय कुमार जी, जिस दृष्टा की व्याख्या सुन रहे हो उसमें परपंच नहीं होते हैं। आओ शुभ के राग में, लोक व्यवहार के राग में, लोक कल्याण के राग में दृष्टा की बात को खोदोगे ना, कभी दृष्टा का वेदन नहीं कर पाओगे। दृष्टा में सर्वा सागरी मात्र, करता नहीं, हरता नहीं और रक्षक नहीं, करता नहीं, हरता नहीं, रक्षक नहीं, तो परमात्मा अभ्याभा सुख से युक्त सिद्ध परमात्मा क्यों? क्योंकि करता नहीं, हरता नहीं और रक्षक नहीं। परमात्मा के स्थान पर पहुंचेगा कौन? मनुष्य, नर, न कि नारी, नर। एक बार तो माता हो, तुमको पुरुष बनना ही पड़ेगा, मोक्ष जाने के पहले जाना ही पड़ेगा। रस खोलू, उत्सर्जन ग्रहण, बस समझो। पुरुष उत्सर्जन करता है, नारी ग्रहण करती है। उत्सर्ग त्यागी होता है,
ग्राहक रागी होता है। जब तक ग्राहक प्रिया है तब तक मोक्ष नहीं है बेटे। ये प्रवचन नहीं तुम्हारे लिए इतिहास बने, हेतु है। एक बार माता को पुरुष वेद धारण करना पड़ेगा तब मोक्ष मिलेगा। कितनी तुम तपस्या कर लो, घोर आर्कावन की तपस्या कर लो, पुरुष बनना ही पड़ेगा तभी मोक्ष मिलेगा। मैं पुरुष हूं इसलिए कह रहा हूं ऐसा मत मानना, अपने में लगा लीजिए। माताओं आप विश्वास मानिए, ये लोग आपके साथ जी रहे हैं, आप इनके साथ जी रहे हो, सुख से जियो। पर मेरी बुद्धि से सुनोगे ना आप रो पड़ोगे। इनको अभ्यास हो चुका है। उदाहरण देता हूँ, माना कि मैं आपके यहाँ आहार करने आया, ठीक है, और लेट हो चुका हूँ, बहुत लेट हो गए, आहार करने आया हूँ। एक पुरुष कह रहा ऐसा करो, लेट हो गए, जल्दी पूजा करो महाराज को और तुम्हारे हाथ में पूजा सौंप दी जाए, आप गाएंगे, थाली और बजाने लग जाएंगे। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, एक द्रव से पैर नहीं, 50 द्रव से पैर धुला दो। मालूम चला कि कितना समय तुमने नष्ट किया। तब मैं देखता हूँ, विश्वास मानिए, कि इनको देर क्यों लग रही है। ऐसा मत सोचो मैं आपके घर में आहार लेने आता हूँ, मैं तुमसे पढ़ने भी आता हूँ, पढ़ के जाता हूँ, बहुत सारी पढ़ाई करता रहता हूँ मैं। जितना मैं ग्रंथों की पढ़ाई में समय देता हूँ उतना आप लोगों की पढ़ाई में भी समय देता हूँ। कई बार तो मुझे लगता है इस व्यक्ति की पुरुषत्व को धन्य हो, इतना सहन कैसे कर सा निकंद। जब तुम्हारा बेटा छोटा होता है चिल्ला चिल्ला के रोता है तो माँ को धन्य हो कितना सहन कर रही है, दूसरा तो कहेगा कान फूट रहे हैं। माँ इतना आपसे जरूर कहूँगा, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जब रोते ना, आजकल तो माध्यम ने आप कैमरे में भर लेना, उसको मोबाइल में भर लेना, और जब भी जैसे बड़े हो जाए मोक्ष जैसे, और फिर कुछ कहें बेटा देख, कब जब तुमने पूछा 4 बार, बोले बेटा मोक्ष महाराज जी कहाँ हैं, बेटा मोक्ष महाराज जी कहाँ हैं, बेटा मोक्ष महाराज जी, जब वो कहे अरे कितनी बार बताऊं आपको, शांत नहीं रहते हो, तब वो मोबाइल खोल के दिखाना, बेटा देख तुमको आज मेरे 2 बार मैंने पूछ लो बेटा महाराज जी का, तो कह रहे शांत नहीं रहते हो, तुम देखो मेरे लाल तुम कितना चू चू कर रहे थे, रो रहे थे फूट फूट करके, हम चिपका रहे तुम चुप नहीं हो रहे थे, तब सोचो मैंने कितना सहन किया तुम्हारे लिए। बेटा मोच तुम मुकेश को सताना नहीं बेटा, तुम तो छोटा था ना, बहुत जिद्दी करता था, मुझे पता है, मुझे तो देखते ही नहीं था तुम, अभी पास मिला तो भग जाता था, लेकिन आज आनंद आता ना। ये क्यों कहा मैंने आपसे, इसलिए कहा है कि सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते, किसी को सताना नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी से सतना भी नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी से सतना नहीं, फिर तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। बेटा सुन ईमानदारी बात, कोई किसी को सता रहा था वो भी मैंने देखा, कोई सताया जा रहा था वो भी मैंने देखा, मैंने कहा ये दोनों काम ठीक नहीं है। उसी से मैंने कार्य शुरू किया। एक पत्नी अपने पति को सता रही थी, वो डंडा लेके उसको मार रहा था, वो जिद पकड़ी थी मुझे चक्की चाहिए चक्की चाहिए, चक्की पीछे लड़ रहे थे आपस में। ओहो मैंने कहा ये लीला, ये लीला घरों में, बेटा तुम पूछना अपने नाना से कि घरों में एक चम्मच के पीछे लड़ाई होती है, और इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है कि लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर किसके पीछे, हिस्से में चम्मच, पूछो अपने नाना से क्या बोले बेटा पूछ, नहीं तो पोड़वाल जी से पूछ के आओ। ये बात सत्य है कि एक चम्मच जब खिंच जाए ना बात, रूस यूक्रेन में क्या हो रहा बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
जब भी तुम खोजोगे तो चम्मच जैसी आवाज निकलेगी उसमें से। लेकिन देखो, लाखों लाखों उधर मर गए, लाखों लाखों इधर मर गए, और तीसरे की बात तुम माननी नहीं चाहिए। कुछ व्यापारी लोग रहते हैं, पहले कोरोना फहराएंगे, फिर दवाई बेचेंगे, ऐसे लड़वाएंगे, अपने अस्त्र बेचेंगे। तुम समझा करो, भारत ने बड़ा सुंदर निर्णय लिया। एक देश आया, दो देशों की चर्चा चल रही भारत से, तो बीच में एक देश आया बेटा, वो कहता आप मुझे बताओ मैं तुम्हारी एकता करा दूंगा। तो मालूम भारत ने क्या बोला? बोले हम दोनों की बीच की बात घर की है, हम निपट लेंगे, आप टेंशन मत लो। ये अपने देश की बहुत बड़ी बात है, बोल दिया स्पष्ट, बोले आप विकल्प मत लो, हम लोग निपट लेंगे। ऐसे घर में तुम्हें कहीं अपने पिताजी से हिस्सा भी मांगना हो और नाना जी आए बेटा हम करा दे रहे हैं, तो तुम कहना नाना तुम परेशान मत हो, हम पिताजी से निपट लेंगे। ठीक है, बैठ जाओ। पंचों को बिठालना इतनी बड़ी बात हो जाना, आपस में निपट लेना चाहिए, आपस में निपट लेना चाहिए। जब तुमको पति पत्नियों के साथ रहना ही है तो लड़ लड़ के पड़ोस में हल्ला करके अपनी नाक क्यों कटवाते हो? आराम से रहो ना। जैसे मेरे पास हमने कुछ दो साधु भेजे, ये वापस आए तो मैं पूछता हूँ पहले, तुम वापस दोनों साथ जाओगे क्या? बोले हाँ, यदि जाओगे ना तो तुम्हारे बीच में क्या हुआ है मुझे बताना, बाकी किसी को बताना नहीं, तुमको जाना ही ना एक साथ। हाँ ठीक है, यदि नहीं जाना है तो सुनिए, जब जाना ही नहीं है तुमको तो आप इसे झगड़े बता के नाक क्यों कटवाओगे? फिर कल तुम्हारे साथ कोई नहीं जा पाएगा, इसे तब भी मौन रहो। अच्छी सच्चा दी ना। तो जिनको जब रहना ही है उनके साथ तो प्रेम से रहो। अब तुम रो रहे हो कि भाई मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ, अरे क्या हुआ अरुण भैया? जब प्रेम से रहना ही है तो बाहर पंचायत की आवश्यकता नहीं है, और नहीं रहना है तो एक निर्णय करो एक दिन में कि रोज रोज कुटुंब को परिवार को स्वयं को परेशान करना एक घोर हत्या चल रही है। नहीं तो तैयारी करो नरक की, नहीं तो तैयारी करो मनीष कहां की, नरक की। जो यहां शांति से नहीं जी पाते फिर कहीं शांति से नहीं जी पाएंगे। मुक्ति सागर सुरग नहीं, जो यहां शांति से नहीं जी पाए, जो मनुष्य गति में शांति से नहीं जी पाए, वे संसार में किसी गति में शांति में नहीं जी पाएंगे। नरक का नारकी पर्वत पर चढ़ गया, वहां बेचारे को बड़ी बड़ी डाढ़ों वाले ने, पशु पक्षियों ने मारा, वहां से भागता है। तत्व भण शरीर तेषु भण पुनो धवंतो तृणे भूमिये, वहां पर जब चढ़ गया ना तो जब वहां उनको खाने लगे पशु पक्षी तो बेचारा वहां से बचा कर भागता है। गच्छि बेरिये, और बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत वेदना थी, तीव्र गर्मी, तो वहां से सोचता है पहले कहां गया, वृक्ष के नीचे, सो तलवार जैसे पत्तों ने काट डाला, फिर वहां से भगा पहाड़ पर चढ़ गया, वहां पक्षियों पशुओं ने खा डाला, वहां से भागता है तो नीचे गच्छी बेड़िए बेतनी नदी में कूद गया। बोले यहां ठंडक मिलेगी, और जैसे ही बेतनी नदी में कूदता है तृष्णम पीड़ता सन, वहां बेतनी नदी में कूदते ही जैसे किसी के फोड़ा हो जाए, घाव हो जाए, और पारस उसके अंदर नमक मिर्च मिला करके और तेल में बघार करके और उसके फोड़े पे डाल दो, घाव में भर दो, जैसे तड़पता है उस बेतली नदी में जो पानी है वो मेरे मित्र लोहू खून पीव से भरा हुआ है, तड़पता, ऐसी पीड़ा नरकों में जीव ने प्राप्त की है। मित्र मोक्ष जाना हो तो राग सुखा दोगे कर्म अपने आप छर जाएंगे, जैसे भैद चला गया था तो मुझ चले जाना। और यदि संसार में तुमको नरकों की पीड़ा का भय है तो अनिल कास्तवाल जी अपने आप को संभाल के रखना। मित्र मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कुटुंब परिवार के पीछे इतने व्यस्त मत हो जाना कि हमको नरक त्रियंच की वेदना का भी ध्यान रखना है। मेरे 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 दृष्टा बन के जियो। करूँगा कल चर्चा, फिर आओगे क्या, समय हो गया आपका।
पता ही नहीं चला, इतने भस गए। वो पंडित घड़ी देख रहे बार बार, पर पंडित मालूम करो मित्र, सको जदो तो तत्जन गोहिनम गिन बनवस पीव मानो उन्नीर तिनो चई अथमी मोहमी ओ टट्टो। ये 35-36 की गाथा एक साथ पढ़ना पड़ेगी आपको। सूखा रूदा कंठ वहाँ नरकों में तत् जल बिहा दो, जल को पीने के लिए हाथ मुख को ओठों तक ले गया पानी। वो नारकी सिंधु नीर से प्यास न जाए पर एक बूंद न लहाए। सुल्लोम मुक्तियो भिलाई प्रदीप मत बाल्टी की बाल्टी फैला भाई, कि तन धोने से कुछ नहीं मिलेगा मन धोले ज्ञानी। तन धोने से कुछ नहीं मिलेगा पानी फैल जाएगा, और मन धुल गया जिन वाणी से तो तन ही समाप्त हो जाएगा, फिर भगवान बन जाएगा। उगे तिड़ उज्जही जीव जल को पीने के लिए हाथ मुख ओठों को दग लिया, वो पीने उद्दत होता वैसे उसकी उष्णता जल जाता। जैसे मुख में वो भरा पीने के लिए ले गया और जैसे मुख में डाला, मालूम प्राचीन काल में दंड होता था। दंड जबलपुर में एक ऐसा दंड दिया गया, ये अंग्रेज शासन काल में बहुत क्रूरता थी। एक मणि होता है उसको उबलते दूध में डाल दो, दूध तुरंत ठंडा, ठीक है शीतल, और जैसे तुमने मुख में भरा मणि हट गई और पेट में गया सब जला देगा, और जला करके आदमी की मृत्यु हुई। वो दूध पिला के मारते थे, दूध पिला के मारते थे। तो ऐसे नरक का नारकी वहां पानी के को देखता हो भरता अंजुली में, वो मुख में ले जाता और जैसे ही पेट में गया झुलस गया, फिर तड़पता इतनी तीव्र वेदना को प्राप्त होता है। हे मित्र, ऐसे उष्ण वेदना से वो बेतनी के पानी से नहीं तड़पना हो तो वासना का पानी मत पियो, साधना का पानी पियो, शीतल आपको गंगा जल पीने को मिलेगा, क्षीर सागर से नमन होगा तुम्हारा। क्या हुआ, जाओ कल मिलता हूं यदि पर्याय रही तो, जरूर तैयारी करके आना। माता हूं आज का प्रवचन अपने घर के बेटा बेटियों को जरूर समझा देना। आत्मा स्वभावम।